हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, कनाडा मस्ट रिड्यूस डिप्लोमेटिक स्टाफ डिस्कशन ऑन एम ऐसा MEA ने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी ने ऐसा बोला है। द सेंटर थर्सडे रिटायर्ड दी रीआइट्रेटेड दैट कनाडा मस्ट रिड्यूस इट डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन इंडिया टू अचीव पैरिटी इन स्ट्रेंथ एंड एलेज दैट सम कैनेडियन डिप्लोमेट्स आर इंटरफेयरिंग इन कंट्रीज इंटरनल मैटर। तो इंडिया का ये देखिए साफ बोल रहा है, अपने यहाँ से डिप्लोमेट को तुम हटाओ और हमारे इंटरनल मैटर में आपके डिप्लोमेट इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अरिंदम बगाची सेड डिस्कशन ऑन दी मोडालिटीज टू अराइव एट अ पैरिटी इन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस आर ऑन गोइंग। एज वी मैंशन अर्लियर, गिवन द मच हायर प्रेजेंस ऑफ कैनेडिक डिप्लोमेट्स हेयर एंड देर इंटरफेरेंस इन आर इंटरनल मैटर, वी हैव सॉट पैरिटी इन आर रिस्पेक्टिव डिप्लोमेटिक प्रेजेंस। तो ये चीज़ वो फिर से यहाँ पे वही कह रहे हैं जो उन्होंने बोला है कि इंटरनल मैटर में हमारे इंटरफेरेंस अच्छा नहीं है। डिस्कशंस आर ऑन गोइंग ऑन दी मोडेलिटीज टू अचीव दिस, बगाची सेट दिस सेट एट हिज वीकली मीडिया ब्रीफिंग। तो इनका वीकली मीडिया ब्रीफिंग होता है, उन्होंने ये चीज़ बोला है। ही सेड एज कैनेडियन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन इंडिया इज मच हायर एज कम्पेयर टू इंडियाज स्ट्रेंथ इन कैनेडा, इट इज अज्यूम्ड दैट देर वुड बी रिडक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे इन्होंने सरकेस्टिकली बोला है। अर्लियर दिस वीक इंडिया आस्क कैनेडा टू विदड्रॉ अबाउट 40 डिप्लोमेट्स फ्रॉम इट्स मिशन एमिड दी एस्केलेटिंग डिप्लोमेटिक रो एंड इरप्टेड फॉलोइंग चाइन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एलिगेशन लिंकिंग इंडियाज एजेंट टू किलिंग ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर हरजीत सिंह निज्जर इन जून। इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्टेड द चार्जेस, कॉलिंग देम एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड। मोटिवेटेड किस लिए? वोट बैंक। बगाची ऑल्सो फ्लैग्ड इंडियाज कंसर्न ओवर सेफ्टी ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स एंड इंडियाज डिप्लोमेटिक परमिसेज इन कैनेडा, सेइंग न्यू दिल्ली हैज़ बीन टेकिंग अप द इशू विद ओटावा रेगुलरली। ओटावा आपका वहाँ का कैपिटल है। तो सिंपल सी बात, अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि कनाडा ओटावा वर्सेस इंडिया ये चल रहा है। यहाँ पे डिप्लोमेट्स इधर से हटा दिए गए हैं, ठीक है। एक चीज़ आप कहीं भी आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में, आंसर में, या कहीं पे बोलने में, डिबेट में, ठीक है। इंडिया क्या टॉलरेट नहीं करता है? देखिए, व्हाट डू इंडिया डोंट टॉलरेट, बताइए। इसका सिर्फ एक आंसर है, इंटरफेरेंस। क्यों? कहाँ पर? पहली बात कहाँ पर? इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में। क्यों? ये वेयर, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है वाई, और ऐसा क्यों इंडिया वो नहीं करता है? क्योंकि हम सोवरेन हैं, इसलिए इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, तो हमें नहीं चाहिए कि कोई हमें इंटरफेरेंस करे। तो यहाँ पे बस यही है, उन्होंने अरिंदम बगाची एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के इन्होंने स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने साफ बोला कनाडा को अपने डिप्लोमेट्स की स्ट्रेंथ कम करिए, ठीक है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ इन इंडिया टू बी रिड्यूस्ड। यही था, इन्होंने बस इतना बोला, हमारे लिए जानना जरूरी था। सो थैंक यू गाइस एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।